दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक के सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कांग्रेस के बाद फेसबुक ने बीजेपी को दिया झटका, नमो ऐप से जुड़े 15 पेज और अकाउंट को हटाया। फेसबुक ने चुनावी मौसम में कई अकाउंट्स और पेज को हटा दिया है जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल राजनीतिक फायदे या झूठी जानकारियां फैलाने के लिए ना हो, इसके लिए फेसबुक ने यह कदम उठाया है। फेसबुक ने बीजेपी के नमो ऐप से जुड़ी कंपनी के 15 अकाउंट्स को हटा दिया है। फेसबुक ने बताया कि उसने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा प्रमोट किए गए मोबाइल ऐप से जुड़ी एक भारतीय कंपनी के कुछ अकाउंट्स को भी बैन कर दिया है। बैन आईटी फर्म का नाम सिल्वर टच है और यह कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप के साथ जुड़ी हुई है। इसके पहले फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल से जुड़े कुल 687 पेज और अकाउंट हटा दिए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह इन पेजों के बारे में पुष्टि नहीं कर सकती और जांच हो रही है कि यह पेज वाकई में कांग्रेस से जुड़े हैं या नहीं। इसके अलावा फेसबुक ने पाकिस्तान पर भी कार्रवाई करते हुए उसके 103 पेज, ग्रुप और अकाउंट को हटा दिया है। इसके अलावा कंपनी ने पाकिस्तान में शुरू किए गए 103 पेज, ग्रुप और अकाउंट्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से हटाया है। फेसबुक ने बताया कि इन पेजों और खातों द्वारा फेसबुक पर विज्ञापन के लिए करीब 27 लाख रुपए खर्च किए गए थे। पहला विज्ञापन अगस्त 2014 में चलाया गया था और हालिया विज्ञापन मार्च 2019 में चलाया गया। फेसबुक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रमुख नेथनील ग्लेशर ने कहा कि इस अप्रमाणिक व्यवहार में शामिल लोगों ने फर्जी खातों का इस्तेमाल किया है और अपनी विषय वस्तु प्रसारित करने के लिए विभिन्न ग्रुपों में शामिल होकर अपने पेज पर भागीदारी बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही कि घर के बाहर फैंस का बेहिसाब प्यार देख अमिताभ बच्चन ने कहा, ये वो कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने आने वाले फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। अमिताभ बच्चन पिछले 37 साल से हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे हैं। फिल्म सात हिंदुस्तानी से लेकर बदला तक अमिताभ लगातार अपने फैंस का अपनी एक्टिंग के साथ मनोरंजन करते रहे हैं। अमिताभ अपने फैंस के लिए 76 की उम्र में डटकर काम करते हैं, वहीं उनके फैंस भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अमिताभ के लिए फैंस का प्यार हर रविवार उनके घर के बाहर देखने को मिलता है। बता दें कि हर रविवार को अमिताभ के फैंस उनके घर के बाहर उनका दीदार करने के लिए आते हैं। हमेशा की तरह इस रविवार भी अमिताभ के फैंस अपने सुपरस्टार अमिताभ का दीदार करने के लिए आए थे। खुद के लिए अपने फैंस का इतना प्यार देखकर अमिताभ भावुक हो गए। इस रविवार अमिताभ के घर के बाहर आई फैंस की भीड़ देखने ही लायक नहीं थी। दरअसल हाल ही में अमिताभ ने अपने घर के बाहर आए फैंस की इस भीड़ के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में आप अमिताभ के फैंस को साफ तौर पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ की ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। फैंस के बीच अमिताभ की ये तस्वीर बहुत ही पसंद की जा रही है। अपने फैंस की इस तस्वीर के साथ अमिताभ ने एक बहुत ही खूबसूरत कैप्शन भी दिया है, जिसमें अमिताभ ने लिखा है, 1982 के बाद से हर रविवार को ये बेहिसाब प्यार जो कि 37 साल से मुझे मिल रहा है, वो भी ब्रेक के बिना, ये वो कर्ज है जिसे मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने आरबीआई की शुचिता को बनाए रखने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की प्रतिष्ठा कम हुई है। आरबीआई की स्थापना दिवस पर उन्होंने दूसरे संस्थानों के साथ केंद्रीय बैंक की शुचिता को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 1935 में इसी दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इस मौके पर आरबीआई के सभी कर्मचारी को बधाई। हमने हाल के समय में देखा कि किसी तरह संस्थान की प्रतिष्ठा कम की गई। इन उच्च कार्यालयों की शुचिता बनाए रखी जानी चाहिए। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। आरबीआई मुख्यालय, जहां इसके गवर्नर बैठते हैं, शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन यह स्थानीय रूप में 1937 में मुंबई चला गया। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन है। इसके अलावा रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने छीना गरीबों का भोजन। जनता कांग्रेस
छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता व मीडिया समन्वयक और समाज सेवी संजीव अग्रवाल ने मोदी सरकार की नियत और नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सालों से छत्तीसगढ़ में जो दाल भात केंद्र गरीबों के लिए खुलवाए गए थे, जिसमें गरीबों को दाल भात मुहैया कराया जाता था, उससे उनका पेट भरता था, लेकिन नई नवेली भूपेश सरकार ने अब उन्हें बंद कर दिया है। और हवाला दिया कि मोदी ने 2 किलो जो चावल छत्तीसगढ़ को केंद्र द्वारा आवंटित होता था उसे बंद कर दिया है। संजीव ने कहा कि अब ये तो लाजमी है कि छत्तीसगढ़ में अपनी करारी हार के बाद भाजपा जमीन तलाशने में लगी हुई है, लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से अपनी विश्व गुरु की छवि बनाई है वह पूरी तरह से खोखली प्रतीत होती है, क्योंकि इस बार उन्होंने प्रतिशोध लेते हुए सीता छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पेट पर लात मारा है। संजीव अग्रवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप को कभी चाय वाला तो कभी चौकीदार तो कभी गरीब का बेटा और ना जाने क्या क्या संज्ञा देते हैं, उन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर व मजदूर जनता के मुंह से उनका निवाला छीन लिया है, क्योंकि उन्होंने केंद्र से आवंटित होने वाले चावल पर रोक लगा दी है। अब एक तरफ नई नवेली भूपेश सरकार ने यह कहा है कि इस साल भात केंद्र की योजना में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा था, और दूसरी तरफ केंद्र के 2 प्रति किलो चावल का आवंटन छत्तीसगढ़ को जो होता था उसे रद्द कर दिया। तो अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इस रशाकशी में छत्तीसगढ़ का मजदूर और मजबूर व्यक्ति पिस रहा है, क्योंकि उसको 5 में भोजन के रूप में दाल भात मिलता था, वह अब राज्य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। वजह चाहे जो भी हो, नुकसान उस बेचारे मजबूर और मजदूर व्यक्ति का हुआ है जो कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और रोज काम करके कमाता है। संजीव अग्रवाल ने मांग किया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अगर कहती है कि यह योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो उस घोटाले के तत्काल जांच हो और दोषियों को सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, लेकिन कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर गरीबों का भोजन ना रोका जाए और यह दाल भात केंद्र की योजना को पुनः शुरू किया जाए। इसके लिए भूपेश सरकार को चुनाव आयोग की सहमति लेकर कलेक्टर के निगरानी में इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए ताकि गरीब मजदूरों को उनका अधिकार मिल पाए। खबर है कि मसूद अजहर पर चीन भी कसेगा शिकंजा, वैश्विक आतंकी घोषित करने के मुद्दे पर दिया ये बयान। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर शिकंजा कसने के लिए भारत समेत कई देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन बार बार इसमें अड़ंगा लगा रहा था, लेकिन इस बार चीन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। सोमवार को चीन ने दावा किया कि मसूद को UN द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के मुद्दे में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि इस दौरान चीन ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। चीन ने कहा कि अमेरिका सीधे सुरक्षा परिषद के समक्ष मामले को उठाकर उसके प्रयासों को बर्बाद कर रहा है। चीन ने कहा कि ऐसा करके अमेरिका एक खराब उदाहरण पेश कर रहा है। बता दें कि सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत अजहर को सूचीबद्ध करने के फ्रांस के प्रस्ताव पर चीन के अड़ंगा लगाने के 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने 27 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने अजहर को ब्लैक लिस्ट करने, उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाने, उसकी संपत्ति की खरीद बिक्री पर रोक और हथियार रखने पर रोक लगाने के लिए 15 देशों के शक्तिशाली परिषद में ड्राफ्ट पेश किया था। पिछले महीने चीन ने चौथी बार अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। अजहर भारत में 14 फरवरी को हुए पुलवामा आत्मघाती हमले समेत कई हमले में वांछित हैं। चीन भारत अमेरिका ब्रिटेन व अन्य देशों के इस आग्रह को लगातार ठुकराता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पूर्व सांसद वेदांती बोले राम के नाम पर बीजेपी आई थी और राम के नाम पर ही चली जाएगी। अयोध्या के पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास दास वेदांती ने राम मंदिर निर्माण पर बीजेपी के रुख पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वेदांती ने कहा कि जिस राम नाम से बीजेपी खड़ी हुई आज पार्टी ने उसी राम नाम से किनारा कर लिया है। चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के टिकट काटे जाने पर
वेदांती ने कहा कि जिन जिन लोगों ने भाजपा को जिंदा किया, खड़ा किया, जन जन तक पहुंचाया, उन लोगों को गिन गिन कर किनारे लगा दिया है। उन्होंने बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राम के नाम पर सत्ता में आई भाजपा ने राम से किनारा कर लिया है। आगे आने वाले दिनों में राम का नाम लेने वालों पर भी खतरा हो जाएगा। वेदांती ने कहा कि जैसे रावण के जमाने में जो राम का नाम लेता था उसे फांसी दे दी जाती थी, उसी तरह जो राम का नाम लेगा उसको सजा दी जाएगी। देश की जनता को 2019 में क्या निर्णय लेना चाहिए यह वह स्वयं सोचे, तभी देश व समाज का कल्याण होगा। वेदांती ने कहा कि राम के नाम पर भाजपा आई थी और राम के नाम पर भाजपा चली जाएगी। प्रियंका गांधी के अयोध्या आगमन पर कहा कि अयोध्या जो भी आएगा संत उसका स्वागत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए वेदांती ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अयोध्या आकर हनुमान गढ़ी का दर्शन किया। क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या आए, रामलला का दर्शन किया, सरयू में डुबकी लगाई, कुंभ मेले में जाकर सफाई कर्मियों के चरण धो सकते हैं, लेकिन अयोध्या आकर रामलला के चरण धोने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की भारत का अंतरिक्ष में फिर लहराया परचम, वैज्ञानिकों ने किया कमाल, 3 कक्षाओं वाला अभियान भी रहा पूरी तरह से सफल। जी हाँ दोस्तों, भारत को मिशन शक्ति के बाद अंतरिक्ष में सोमवार को उस समय एक और बड़ी सफलता मिली जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार 3 विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह को स्थापित करने के लिए PSLV C-45 से प्राथमिक उपग्रह एमीसैट के साथ 28 देशी नैनो उपग्रहों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा और 17 मिनट के अंदर एमीसैट अपने कक्षा में स्थापित हो गया तथा करीब 100 मिनट के भीतर सभी विदेशी उपग्रह भी कक्षा में स्थापित कर दिए गए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी के मोदी जी की सेना वाले बयान का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सोमवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय सेना को मोदी की सेना बताया। इस पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने बताया कि इस मामले में गाजियाबाद के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। जांच में अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश चौहान ने कहा कि योगी का बयान सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, इस पर चुनाव आयोग को योगी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हार के डर से अब सेना का सहारा लेना पड़ रहा है, भाजपा के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी को सेना का सहारा लेकर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। चौहान ने कहा भाजपा के पास 5 सालों में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए हर प्रचार में सेना की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की रैली में कहा कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना उन्हें सिर्फ गोली और गोला देती है, यह अंतर है कांग्रेस के लोग और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के लिए जी का इस्तेमाल करने वाले, मगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आतंकियों के कैंप पर हमला कर उनका कमर तोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर को फ्लैट 1.80 करोड़ में नीलाम। सरकार ने भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना इस्माइल पारकर का फ्लैट 1.80 करोड़ में नीलाम किया है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। हसीना की मौत 2014 में हुई थी। नागपाड़ा के गोर्डोन हाल अपार्टमेंट के विंग ए में स्थित यह फ्लैट 600 स्क्वायर फीट का है। इसे स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट साफेमा के तहत 1.80 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया। दक्षिण मुंबई की इस कीमती संपत्ति के बारे में हसीना के रिश्तेदार यह साबित नहीं कर पाए कि यह वैध तरीके से अर्जित की गई थी। इसके बाद इसकी नीलामी हुई। नीलामी वाईबी चौहान प्रतिष्ठान में हुई। स्थानीय बाजार मूल्य के हिसाब से इसका बेस प्राइस 1.69 करोड़ रखा गया था, लेकिन सरकार को इससे 11 लाख रुपए अधिक मिले। नीलामी का विवरण और फ्लैट खरीदने वाले के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। यह फ्लैट मूल रूप से दाऊद का था। 1980 के दशक के मध्य में देश से उसके भागने के बाद फ्लैट उसकी मां आमिना के पास रहा और उनके बाद उसकी बहन हसीना के कब्जे में रहा। 12 मार्च 1993 के मुंबई धमाके के बाद सरकार ने दाऊद की सभी संपत्तियों को सील कर दिया।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मांगा कल दोपहर तक गाजियाबाद डीएम से जवाब। सीएम योगी ने सेना को मोदी की सेना कहा या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गाजियाबाद जिला के जिन निर्वाचन अधिकारी से दोपहर तक मांगा जवाब, उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक रैली के दौरान क्या सेना को मोदी की सेना कहा है या नहीं। गाजियाबाद जिले में रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में भारतीय सेना को मोदी की सेना कहकर संबोधित किया। इस बात के सबूत सहित चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। इसके बारे में सीईओ ने डीएम से जवाब मांगा है। बता दें कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहले भी ताकीद कर चुका था कि सेना का नाम चुनाव में नहीं घसीटा जाए, जबकि जब तो हद हो गई, जब सेना देश की होती है, मोदी की नहीं। अब देखना होगा चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कश्मीर में सीआरपीएफ काफले पर ब्लास्ट करने वाला संदिग्ध गिरफ्तार, कबूल किया अपना गुनाह। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने सोमवार को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 30 मार्च को सीआरपीएफ के काफले के गुजरने के समय कार विस्फोट के संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आरोपी उवैस अमीन को घटना के 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल लिया। वह शोपियों का रहने वाला है। दिलबाग सिंह ने बताया कि 30 मार्च की सुबह करीब 10:15 पर विस्फोटकों से भरी एक सेंट्रो कार ने बनिहाल में सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी, जबकि काफिला श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बस मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और सीआरपीएफ के कर्मी बच गए। वहीं आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा कि मुझे फोन पर काफिले में विस्फोट करने को कहा गया था। मेरा काम गाड़ी चलाना और स्विच दबाना था। मैंने कार में रहते हुए बटन दबाया। मैं अकेला था जब मैंने इसे किया। बता दें कि 30 मार्च को सीआरपीएफ को काफिले पर निजी कार से विस्फोट किया गया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक बस मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस के अनुसार कार का चालक उस वक्त कार में अकेला था। वह मौके से भाग गया था। कार के मालिक की पहचान कार के चेचिस और इंजन के नंबर से की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने मौके से एक खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, पेट्रोल का कैन, जिलेटिन की कुछ छड़ें, यूरिया और सल्फर बरामद किया था। पुलिस ने कहा कि उन्नत विस्फोटक उपकरण बनाने के लिए इन वस्तुओं को उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप किस राज्य से और किस शहर से हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।